शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन VCN न्यूज को YouTube पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नान तहसील में पशुओं की त्वचा में गांठ का रोग बताया गया। इस बीमारी के लिए कोई निवारक टीका या ठोस दवा नहीं है। गांठदार त्वचा रोग एक साधारण वायरल बीमारी है। यह एक संक्रमित जानवर से दूसरे में मच्छरों और मच्छरों के काटने से फैलती है। विशेषता यह गर्म और नम जलवायु में फैलता है। 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास के गोल नोड्यूल संक्रमित जानवर के सिर, गर्दन, पेट पर और पूंछ की त्वचा पर यह दिखाई देता है। कुछ दिनों के बाद वे बड़े हो जाते हैं और उसमें मवाद निकलता है। लक्षणों के ग्रंथियों की सूजन, आगे और पीछे के पैर की सूजन और कुल्हों की सूजन के साथ साथ बुखार भी शामिल है। आंखों और नाक से श्लेम निर्वह जारी है। भूख का नुकसान, अगर ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो संक्रमित जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है। संक्रमित जानवरों को क्रॉस ब्रीड और देशी गायों और सभी उम्र के अन्य जानवरों में प्रेषित किया जा सकता है, लेकिन छोटे जानवरों में तीव्रता अधिक नहीं है। पशुधन संक्रमण की घटना 10 से 20% है और गैर संक्रमित जानवरों की मृत्यु दर 1 से 5%। ऐसे किसी भी लक्षण के होने पर संक्रमित जानवरों को अन्य जानवरों के संपर्क में न रखना चाहिए। जानवरों को साफ और सूखा रखना चाहिए। कोई वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं है। हालांकि यदि बीमार पशुधन के लक्षणों के अनुसार इलाज किया जाए तो पशुधन 2 से 3 सप्ताह में पूरी तरह से ठीक हो सकता है। यह बीमारी पशुओं से मनुष्य में नहीं फैलती है। नांद और उसके आसपास के कई जानवर इस चर्म रोग से पीड़ित है, लेकिन पशुधन का इलाज करने वाले पशुधन विकास अधिकारी इस विभाग में उनके इलाज के लिए परेशानी नहीं उठा रहे। पशुधन के मालिक चिल्ला रहे। हालांकि अस्थायी उपचार एक निजी चिकित्सक द्वारा किया जाता है। तथ्य यह है कि उन्हें इस डॉक्टर के लिए अधिक भुगतान करना होगा। हालांकि पशुपालक प्रदीप ताजन और राहुल खान कोर ने जिला परिषद की ओर से जांच की मांग की है, क्योंकि त्वचा रोग का इलाज सरकारी पशुओं और चर्म रोग क्लिनिक में नहीं किया जा रहा। गावामध्ये लंपी डिसीजचा प्रादुर्भाव जास्त वाढला असून त्यामध्ये जनावराला बारीक बारीक गुटल्या, तसेच पायाला सूज येणे, तसेच बैल खासणे अशा काही गोष्टी होऊन राहिल्या आहेत। तरी पण या ठिकाणी कोणीही पशुधन वैद्यकीय अधिकारी येऊन पाहत नाही आहे। तसेच प्रायव्हेट डॉक्टर लोक इथे पैशाचा जास्तीत जास्त जोर करून मागणी करून त्याची व्यवस्था करून देत आहेत, पण तरी पण कास्तकाराला हा गोष्टी पण न परवडणार असून आणि इथे वैद्यकीय अधिकारी गावात राहत नाही आणि त्यांना फोन केला तरी ते म्हणतात की आम्ही काल आलो होतो, उद्या आलो, पण काही लोकांना विचारले असतात 7-8 दिवसापासून इथे ते आलेच नाही आहे असे लोक सांगतात। आणि गावांमध्ये याची साथ असून लंपी डिसीजची साथ असून तरी पण ते याकडे लक्ष देत नाही आहे। तरी माझी अशी विनंती आहे पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याला आणि तसेच सगळ्यांना इथे एक टीम बनवून निरीक्षण करावं, तसेच हा आजाराबद्दल कास्तकाराला थोडं समजून सांगणे, तसेच कास्तकाराला घाबरून जाण्याची काही गरज नाही आहे असे थोडंसं त्यांना मार्गदर्शन करावे। भिवापूर से NBC न्यूज के लिए राम वाघमारे की रिपोर्ट।